चला सकते हैं, आलू मटर पनीर का सब्जी और ये अचार और ये। साइड लोअर मिला है और एक ये लोअर सीट। बाकी चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं और चैनल पे बने हैं रहिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए और भी जानकारी और भी इन्फॉर्मेशन आप सबको देता रहूँगा। बाकी गाइस एक लाइट दिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये चला सकते हैं आप लोग। और एक इधर मिरर है और बाकी सीट कुछ यहाँ का ऐसा है आप देख सकते हैं। इधर ये वही उधर मेरा लगेज है, उधर बैग है मेरा। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये जला सकते हैं, पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। कहाँ पर से लेने की
चालू हुई है वैष्णो देवी से, वीक में एक दिन जाती है बनारस तक जाती है, लखनऊ सुल्तानपुर ये सब होके, बाकी वहाँ से भी वीक में एक दिन आती है। ये माँ वैष्णो देवी की तरफ से ये नई गाड़ी स्टार्ट की जब है यहाँ पर इस रूट पर। अभी एक घंटा दो मिनट गाड़ी लेट है और अभी रामपुर में हम खड़े हैं और क्रॉसिंग है, यहाँ स्टॉप नहीं है, इसके बाद रायबरेली, उसके बाद हमारा लास्ट स्टॉप है जो कि लखनऊ का, वहाँ पे उतरेंगे। बाकी अभी ढाई बज रहे हैं दिन के, बाकी यहाँ से निकलते हैं रायबरेली और उसके बाद फिर डायरेक्ट लखनऊ। बाकी आप देख सकते हैं रामपुर रेलवे स्टेशन में, रामपुर रेलवे स्टेशन में गाड़ी स्टार्ट हो गई चलना। अब यहाँ से करीब आधे घंटे लगेंगे, आधे या एक घंटे लगेंगे रायबरेली, उसके बाद लखनऊ सुल्तानपुर बनारस। ज़्यादा स्टाफ है नहीं इसकी, बाकी गाड़ी स्टार्ट हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। और लखनऊ करीब एक घंटे गाड़ी लेट है तो 7 बजे हमको पहुँचाएगी, 6 बजे की टाइमिंग है लेकिन 7 बजे पहुँचाएगी लेट होने की वजह से। सीट मिल रही है तत्काल टिकट भर निकाल रहे ना पहले जी बेसिन के आज किया हमारे तत्काल टिकट निकाले थे ना बुआ टिकट हमें निकाले थे अपन अब खाई रहे 700 पड़ गया है अब आवत में टिकट बुक ना कर रहे हैं अब बाहर का आम तो हम कहीं बड़ा दिक्कत भी है मतलब बात हम तक तो है ही तो हम अब फिर हाल ना रखें लेकिन वहीं से कटरा से लखनऊ का टिकट गाड़ी आ रही है जय माँ वैष्णो देवी। हाँ तो उन्हें ए सी में खा दी रही हाँ तो ए सी करा रहा है मतलब तत्काल में 1500-1600 रुपये दिखा रहा है। हाँ मैंने जाना आपन रेट मैंने 1600-1700 में आपन लिख रहा है देखिए काम में अब से हम सफ़र कर रहे हैं 0-16-54 गाड़ी नंबर है और ये नई गाड़ी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा बनारस एक्सप्रेस है जो कि ये नया नवरात्रि में चालू किया गया है। इस गाड़ी से हम सफ़र कर रहे हैं, बाकी अभी हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। गाड़ी 1 घंटा 44 मिनट गाड़ी लेट चल रही है, डीले चल रही है, तो अभी रास्ते में ही है, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। 8 बजे तक दिखा रहा है, 7:54 या 55 मिनट में पहुँचा देगी हमको लखनऊ, लेकिन 8 बज जाएगा, 1 घंटा 44 मिनट गाड़ी लेट है। तो ये सब है, बाकी ये आप सबको देख सकते हैं हमारी कोच चाहिए और अभी खाना वगैरह हम खाए नहीं है तो देखते हैं अभी वहाँ पहुँचेंगे फिर लखनऊ में कुछ खाएंगे फिर दूसरी गाड़ी पकड़ के फिर जाएंगे। अयोध्या जाना है हमको यार ये अपर वाला हो गया ये इधर हो गया
ये बाहर कुछ नहीं दिखेगा अभी तो, और ये मेरा नंबर 7A वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। हाँ तो गाइस हम पहुँच चुके हैं लखनऊ। हे गाइस फाइनली हमारी ट्रेन पहुंचा दी थी 8:40 पे। बाकी हम पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन है, लखनऊ जंक्शन, और इसके बगल रेलवे लखनऊ चारबाग है। तो बाकी पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं, भूख लग गई है, खाना वगैरह कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन हमारी है। हमें आ गए हैं खाना खाने के लिए। फिलहाल तो हमने थाली मंगाया, थाली में क्या क्या मिला, 80 रुपये का थाली है और थाली में एक दाल है, दो सब्जी है और 4 रोटी है। अभी रोटी और आ रही है, अचार है, सलाद है और एक राइस है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से खाना खाते हैं और फिर रात को 11-12 बजे हमारा ट्रेन है, फिर जाएंगे वहाँ से, यहाँ से गोसाईगंज जाना है तो सुबह तक पहुँचाएगी। बाकी ये वीडियो एंजॉय। शाहगंज अयोध्या के रास्ते दरभंगा से आने वाली, कानपुर सेंट्रल उज्जैन के रास्ते अहमदाबाद को जाने वाली गाड़ी संख्या 1-9-1-6-6। अरे वही जब तैयार करेंगे, जब तक लेबर खासा रहेंगे तब तक ऐसे जब तक कितना क्लियर नहीं है मकई लेटरिन है उसको इधर का नहा से गाड़ी है भैया। हम बात गाड़ी में या गाड़ी लेटरिन ना कर सकते भाई ना कर सकते या गाड़ी साबरमती में एसी से जाए साबरमती और जो जितनी बिहार गाइज अभी हम फाइनली गोसाईगंज पहुंच गए 6:10, गाड़ी करीब 58 मिनट डेली मतलब 58 मिनट डेट पहुंची है और फाइनली ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो भी दी एंड करते हैं यहीं पे, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दिए। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं और कौन सी ट्रेवल करना चाहिए हमको तो वो आप सजेशन दे सकते हैं। बाकी आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और सब्सक्राइब करना ज़रूर भाई। और बाकी गोसाईगंज रेलवे स्टेशन यही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे